अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा जुवेद एंड आई एम वर्किंग इन केकेटी ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सेंटर। जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आजकल बहुत मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, जिसे कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, या इसको आम वर्ड्स में कह लें कि नेक पेन या गर्दन का दर्द। गर्दन के मोरों के दरमियान में डिस्क पड़ी होती है जिसके ऊपर प्रेशर आ रहा होता है। डिस्क जो है वो थोड़ी थोड़ी वक्त के साथ साथ डिजेनरेट करना शुरू करती है और मोरों के साइड से नाड़ें गुजर रही होती हैं जिनके ऊपर दबाव आना शुरू हो जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की दो इकसाम होती हैं, एक हम कहते हैं रेडिकुलर और एक होती है नॉन रेडिकुलर। नॉन रेडिकुलर में ये है कि जो दर्द है वो सिर्फ आपके गर्दन के मखसूस हिस्से तक ही रहती है, और जो रेडिकुलर है उसमें आपके जो पेन है वो गर्दन से होती हुई आपके बाजुओं में आती है, बाजुओं की ताकत में कमी आती है, हाथ सुन होना शुरू हो जाती है। केकेटी ट्रीटमेंट, जहाँ पे हम आवाज़ की लहरों के साथ इलाज करते हैं, आवाज़ की लहरें एक मखसूस एंगल और फ्रिक्वेंसी के साथ आपके मोरों पे दी जाती है, जिसकी वजह से जो डिस्क और जो आपकी नाड़ों पे प्रेशर आया है वो प्रेशर हट जाता है और जो सुनपन है, पट्टों की ताकत में जो कमी है और जो दर्द है उसमें एक वाजिया फ़र्क नज़र आता है।